हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेन गेज नेटवर्क। मींस हम एक पर्टिकुलर एरिया में रेन गेज इंस्टॉल करते हैं तो हम कितने एरिया में कितने रेन गेज हमें वहाँ पे ज़रूरत होंगे ताकि हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें उस एरिया की रेनफॉल। ये टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है रेन गेज नेटवर्क जो हम वहाँ पे बनाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि वो हिली एरिया है या प्लेन एरिया है या सेमी हिली एरिया है, कुछ प्लेन है कुछ हिल्स हैं। तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रिकमेंडेशन किए हैं कि यदि हिली एरिया है तो वहाँ कितने स्क्वायर किलोमीटर में हम कितने रेन गेज इंस्टॉल कर सकते हैं, यदि प्लेन एरिया है तो वहाँ पे कितने रेन गेज हम आइडल होंगे, कितने नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस हमें वहाँ इंस्टॉल करने पड़ेंगे या कितने आइडल होंगे, ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में। जैसे कि यदि माउंटेन रीजन है और टेम्परेट एरिया है, मेडिटेरियन एंड ट्रॉपिकल जोन्स हैं, तो वहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि वहाँ पे 100 to 250 स्क्वायर किलोमीटर में एक स्टेशंस होना चाहिए, ये आइडल कंडीशन है। और यदि हमें कोई दिक्कत जाती है, ऐसा इंस्टॉल नहीं कर सकते हम, तो एक्सेप्टेबल कंडीशन ये है कि वन स्टेशन फॉर 250 to 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 250 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे हमको एक स्टेशन तो होना ही चाहिए, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है, इससे कम हम नहीं कर सकते। तो कुछ ये रिकमेंडेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम WMO कहते हैं। तो आज हम देखते हैं रेन गेज नेटवर्क और एवरेज रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। सिंस द कैचमेंट एरिया ऑफ रेन गेज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एरियल एक्सटेंट ऑफ अ स्टॉर्म, इट इज ऑब्वियस दैट टू गेट अ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर ऑफ अ स्टॉर्म ओवर अ कैचमेंट द नंबर ऑफ रेन गेज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा रेन गेज वहाँ पर इंस्टॉल कर सकें वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, ताकि हम उस एरिया का मीन रेनफॉल, जिसको हम बोलते हैं P बार से डिनोट करेंगे हम, वो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर कब सकते हैं, जब हम उस एरिया में अधिक से अधिक रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल कर सकें। द कैचमेंट एरिया पर गेज शुड बी स्मॉल, के जो हम एक गेज के लिए जो कैचमेंट एरिया हम डिसाइड करते हैं वो कम से कम होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि हमें इकोनॉमिकल भी फिजिबल हो, ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे जितने ज़्यादा मर्जी आए उतने रेन गेज स्टेशन या रेन गेज इंस्टॉल कर दें और हमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए। और भी हमें अदर टाइप के कंसिड्रेशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम कोई भी रेन गेज नेटवर्क इंस्टॉल करते हैं या रेन गेज वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं किसी कैचमेंट एरिया में। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से कंसिड्रेशंस हैं जो वी शुड कीप इन आवर माइंड। नंबर वन, सबसे पहले तो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस।
इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में मैंने बताया था जैसे कि इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाए रेन गेज नेटवर्क को इंस्टॉल करने में। तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, तो हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन एक लेके चलेंगे। दूसरा अदर कंसिडरेशन में सेकंड आ जाएगा हमारा टोपोग्राफी, टोपोग्राफिक कंसिडरेशन में हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए हम ये टोपोग्राफिक कंसिडरेशन को लेके चलते हैं कि हिली एरिया है क्या, माउंटेन एरिया है क्या, टेम्परेट रीजन है, मेडिटेरेन रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है, एरिड है, पोलर जोन है। तो इन सब को कंसिडर करके हम ये टोपोग्राफिक कंसिडर कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग हम ये इस टॉपिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कंसिडरेशन हमारा क्या हो सकता है, वो जो हम रेन गेज नेटवर्क डाल रहे हैं वो ये जो रेन गेज स्टेशन है वो हमारे एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल अगर नहीं होगा तो हम उसको मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि हमें उसको इंस्टॉल करके भूल नहीं जाना, वहाँ जाके हमको उसको मेंटेन करके रखना है ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करता रहे। तो हमारे एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, हमारी पहुँच होना चाहिए वहाँ तक जहाँ भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं रेन गेज को, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन में आता है। वन एम एट द ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ गेज फ्रॉम विच रीजनेबली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉर्म कैन बी ऑब्टेन। हमारा एक ही एम है कि हमें सबसे रीजनेबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहे स्टॉर्म की। स्टॉर्म मतलब जो रेन फॉल होती है उसको हम स्टॉर्म भी कहते हैं, स्टॉर्म्स। तो वो उसका हमें डाटा, ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ रेन गेज हमारी ऐसी हो, हमारी ऑप्टिमम डेंसिटी मतलब हम पर्टिकुलर एरिया में कितने रेन गेज इंस्टॉल कर रहे हैं उसको हम डेंसिटी बोलेंगे, नंबर ऑफ रेन गेज पर यूनिट एरिया उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ गेजेस। तो हमारी डेंसिटी गेजेस की इतनी हो ताकि हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम कुछ देखेंगे डाटा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिकमेंड किया है वो, तो हम देखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है। इन फ्लैट रीजन, सबसे पहले वो फ्लैट रीजन की बात करता है कि फ्लैट रीजन अगर है, फर्स्ट इन फ्लैट रीजन ऑफ टेम्परेट मेडिटेरेनियन एंड ट्रॉपिकल, जो मीन्स यदि फ्लैट रीजन है और उसमें टेम्परेट मेडिटेरियन एंड ट्रॉपिकल जोन है वो, और फ्लैट मतलब समतल है, मैदान है, तो वहाँ पे जो आइडल कंडीशन होती है, ठीक है, आइडल कंडीशन क्या है वहाँ पे, जो WMO डिसाइड करता है कि वन स्टेशन फॉर 600 to 900 स्क्वायर किलोमीटर, 100 जो
आइडल कंडीशन है वो वन स्टेशन होनी चाहिए वहाँ पे 600 टू 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, यदि हम ये इंस्टॉल नहीं कर सक रहे हैं वहाँ पे, हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो एक्सेप्टेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए वहाँ पे, वन स्टेशन फॉर 900 टू 3000 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम आइडल कंडीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक्सेप्टेबल क्या होनी चाहिए वहाँ पे, वन स्टेशन होनी चाहिए किस पे, 900 टू 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, ओके। अब हम यदि बात करें माउंटेनियस रीजन की, और माउंटेनियस रीजन में टेम्परेट जोन यदि वहाँ है, मेडिटेरियन जोन वहाँ पे है एंड ट्रॉपिकल, तो ऐसी कंडीशन में जो WMO डिसाइड करता है कि आइडल कंडीशन क्या होनी चाहिए, वन स्टेशन फॉर, एक स्टेशन कितने एरिया को कवर करना चाहिए, 100 टू 250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये कितने एरिया कवर करना चाहिए, 100 टू 250 स्क्वायर किलोमीटर। और जो एक्सेप्टेबल कंडीशन है वो कितनी है, वन स्टेशन फॉर 250 to 1000 स्क्वायर किलोमीटर, इतनी तो होनी ही चाहिए। मतलब 250 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है उसमें एक रेन गेज स्टेशन होना ही चाहिए, इट इज़ अ मस्ट। अब हम बात करते हैं एरिड एंड पोलर जोन की, ठीक है। तो एरिड एंड पोलर जोन में जो WMO डिसाइड करता है, वन स्टेशन फॉर 1500 to 10000 स्क्वायर किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी। मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार या वहाँ की जो क्लाइमेट है या वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। जैसा कि मैंने बताया था, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज जो होता है वो सबसे ही ज़्यादा फिजिबल होता है, उसको हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ उसका कर सकते हैं। तो सेल्फ रिकॉर्डिंग जो रेन गेज है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, वो इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए लगभग 10% जो रेन गेज स्टेशंस हैं उसका 10% सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज होनी चाहिए, 10% ऑफ टोटल रेन गेज स्टेशन। अब हम देखते हैं इंडियन कंडीशन में जो रेन गेज स्टेशंस हैं वो क्या रिकमेंड करता है, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या रिकमेंड करता है। तो जो IS है, इंडियन स्टैंडर्ड, ये रिकमेंड करता है IS इंडियन
ये रिकमेंड करता है कि प्लेन एरिया यदि है तो 1 स्टेशन पर 250 स्क्वायर किलोमीटर पर होने चाहिए, ठीक है। यदि इन रीजन्स ऑफ एवरेज एलिवेशन 1000 मीटर इज़ टू, यदि एवरेज एलिवेशन है 1000 मीटर का तो क्या करना चाहिए, 1 स्टेशन पर 260 टू 390 स्क्वायर किलोमीटर। हिली एरियाज है विथ हैवी रेनफॉल तो क्या हम वहाँ पे 1 स्टेशन पर 130 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे एवरेज या मीन प्रेसिपिटेशन निकालते हैं। मीन मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जो भी रेन गेज स्टेशन हम इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर ज़रूर ही आएगी, तो उस एरर को भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इफ देयर आर ऑलरेडी सम रेन गेज स्टेशन इन अ कैचमेंट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशंस दैट शुड एग्जिस्ट टू हैव एन असाइंड परसेंटेज ऑफ एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इज ऑब्टेंड बाय अ स्टैटिकल एनालिसिस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है सी वी अपॉन रो, या इसको हम सिग्मा बोल सकते हैं, का होल स्क्वायर। तो एन वेयर एन क्या है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशंस है, और ये है एरर अलाउेबल डिग्री ऑफ एरर, ठीक है। और सी वी जो है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यू एट द एग्जिस्टिंग स्टेशंस, जितने भी स्टेशंस हैं उसका जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल है वो हम सी वी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेयर सो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम रेनफॉल मीन रेनफॉल का एस्टिमेशन करेंगे तो क्या होगा, उसमें एरर तो आएगी, तो हम एरर लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशंस एग्जैक्ट आए। और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, जो अलग अलग स्टेशंस हैं उनमें कितना रेनफॉल हुआ वो कितना वेरी कर रहा है एक दूसरे से, ये हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे थे मीन प्रेसिपिटेशन हम कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ ऑप्टिमम स्टेशंस हमने निकाले। यदि हमारे पास एम स्टेशंस हैं और उन स्टेशन एम ही स्टेशनों की जो फर्स्ट स्टेशन है उसकी जो रेनफॉल वैल्यू है वो पी वन है, या प्रेसिपिटेशन वहाँ पे कितना हमने रिकॉर्ड किया वो पी वन है, दूसरे वाले रेन गेज स्टेशन की पी टू है, तीसरे वाले की पी थ्री है, ठीक है, ये पी टू पी थ्री ऐसे करके हमने ये पी एम तक हमें प्रेसिपिटेशन पता है एम स्टेशनों की, ठीक है, इन अ नोन टाइम, एक टाइम पीरियड पे हमें प्रेसिपिटेशन पता है। तो हम कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सो द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन सी वी इज कैलकुलेटेड बाय सी वी इज इक्वल टू 100 into σm-1 अपॉन पी बार। पी बार मीन्स मीन प्रेसिपिटेशन, यही है पी बार। हम इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, पी बार को सिंपल कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं,
P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 जितने स्टेशंस हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेशन, तो हमारा पी बार निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमने ये देखा कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, तो ये इस तरह से निकलता है। अब हम रो एम माइनस वन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा वन टू एम, जो एम है नंबर ऑफ स्टेशन है, ये पी आई जैसे P1 P2 P3 आएगा इसमें, माइनस P बार हम कैसे कैलकुलेट करें, ये है P बार एवरेज या मीन प्रेसिपिटेशन, जितने नंबर ऑफ स्टेशन है उसको डिवाइड करेंगे टोटल प्रेसिपिटेशन से, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाई, अगर 4 स्टेशन है तो डिवाइडेड बाई 4, तो मीन प्रेसिपिटेशन निकल जाएगा। तो ये P बार जो है वो क्या है, मीन प्रेसिपिटेशन हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अपॉन M माइनस वन नंबर ऑफ स्टेशन माइनस वन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकलेगा। और पी आई क्या है, प्रेसिपिटेशन मैग्नीट्यूड इन द आइथ स्टेशंस। हम 10% तो लेके ही चलेंगे, यदि हम नंबर ऑफ स्टेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10% जो एरर है वो हम लेके चलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे हम जो एरर है सिग्मा, इसकी जो वैल्यू है वो अगर कम होते जाती है तो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एरर कम स्टेशन ज़्यादा, स्वाभाविक सी बात है, अगर स्टेशन ज़्यादा होंगे तो हमको जो मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने में जो एरर आएगी या प्रेसिपिटेशन जो उसमें कैलकुलेट होगा ये रिकॉर्ड होगा जो रेन गेज में प्रेसिपिटेशन, उसमें एरर कम से कम आएगी जब हम उसका मीन निकालेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम रेन गेज वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।